इंडियन पोटास लिमिटेड द्वारा भारत में पहली बार भारत एमओपी नु लॉन्चिंग कृषि सेवा केंद्र हिम्मतनगर में करवामां आव्युं। इंडियन पोटास लिमिटेड द्वारा भारतीय जन उर्वरक परियोजना हेठळ भारत एमओपी नो लॉन्चिंग हिम्मतनगर ना कृषि सेवा केंद्र खाते कंपनी ना चीफ मैनेजर आरवी सिंह ने वरद हस्ते खेडूतों की हाजरी में करवामां आव्युं हतुं। आ प्रसंगे तेमणे जणाव्युं के देश में वन नेशन वन फर्टिलाइजर्स नो भारत सरकार द्वारा करवामां आवेल छे, तेमां हवे दरेक खातर में ब्रांड कैंसल करी फक्त भारतीय जन उर्वरक परियोजना में एक डिजाइन वाली बेग में समग्र देश में रासायनिक खातरो उपलब्ध थशे, जेथी खेडूतों ने ब्रांड ने लीधे जे खातरोनी अछत अने काळा बजार में वेचाण थतुं हतुं हवे ते बंद थशे अने खेडूतों ने समयसर रासायनिक खातरो मळी रहेशे। वीडी चौधरीए जणाव्युं के भारत सरकार खेडूत लाइनोनी काळजी राखीने समयसर खेडूतोने खातर उपलब्ध करावे छे અને ખેડૂતોને વ્યાજબી ભાવે મળી રહે તે મુજબ સમયસર સબસિડી પણ આપવામાં આવી રહી છે। વિરમભાઈ પટેલે જણાવ્યું હતું કે અમે ગર્વ અનુભવીએ છીએ કે આઈપીએલ કંપની દ્વારા ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા રાસાયણિક ખાતરો ખેડૂત ભાઈઓને વિતરણ કરી ખેડૂતોની આવક વધારવાનો પ્રયત્ન કરે છે। આ પ્રસંગે મગનભાઈ પટેલ અને ચૌધરીભાઈએ આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા ખૂબ જ જહેમત ઉઠાવી હતી। ઝીલ રાવલ ZSTV हिम्मतनगर। आज किसान प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र हिम्मतनगर पे हम लोगों ने इंडियन पोटाश लिमिटेड के द्वारा वन नेशन वन फर्टिलाइजर के अंतर्गत भारत एमओपी का लॉन्चिंग किया है। अब हम लोग सारे एमओपी भारत एमओपी के ब्रांड में पूरे देश में वितरित करेंगे और इसके विपणन का काम करेंगे। देखिए, वन नेशन वन फर्टिलाइजर की लॉन्चिंग माननीय प्रधानमंत्री साहब और केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर मनसुख भाई मांडविया के द्वारा अक्टूबर माह में किया गया था, जिसके अंतर्गत इस स्कीम में सभी कंपनियां और स्टेट मार्केटिंग एंटिटीज़, फर्टिलाइजर मार्केटिंग एंटिटीज़, ये जो भी यूरिया है, डीएपी है और एमओपी है, एनपीके है, जो सब्सिडाइज फर्टिलाइजर्स हैं, इनको एक ही ब्रांड में पूरे देश में वितरित करने का और खेडूत तक पहुंचाने का उद्देश्य रखा है। इस स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार ने ये सुनिश्चित करने के लिए इस स्कीम को बनाया है कि फार्म प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करने के लिए अफोर्डेबल प्राइस पे इजी अवेलेबिलिटी पूरे देश में पूरे खेडूत भाइयों को हो, जिससे कि उनके अंदर जो कन्फ्यूज़न था कि अलग ब्रांड का अच्छा होता है दूसरे ब्रांड का अच्छा नहीं होता है, उससे क्या होता था कि कहीं उसको मूल्य ज़्यादा भी देना पड़ता था, वो पैसे हमारे खेडूत भाई के बचेंगे और उससे उसकी आमदनी बढ़ेगी। साथ में जो फ्रेट सब्सिडी क्रॉस कंट्री मूवमेंट था उसको भी मिनिमाइज किया जाएगा, जिससे कि भारत सरकार की जो फ्रेट सब्सिडी जाती है फर्टिलाइजर के मूवमेंट में उसको भी कम किया जा सकेगा और उससे हमारे सरकार का भी बचत होगा और उस सब्सिडी का सही जगह पे इस्तेमाल किया जाएगा। धन्यवाद।